हेलो एवरीवन, मैं हूं घनश्याम सैनी और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री धाम पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अध्याय है 6, जिसका नाम है धातुओं के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसके तहत आज अपन पढ़ने वाले हैं जिंक ऑक्साइड से जिंक का निष्कर्षण। देखिए, इससे पहले अपन ने लोहे का निष्कर्षण पढ़ लिया है, तांबे का निष्कर्षण पढ़ लिया है, आज अपन पढ़ेंगे जिंक का। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले तो हमें जो क्या चाहिए, अयस्क चाहिए। तो अयस्क का नाम क्या है, इसके बताया हुआ है, उन्हें देखिए। अयस्क का नाम है एक तो ZnS, जो मुख्य अयस्क होता है इसका, जिसका नाम है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड, ठीक है। दूसरा है ZnCO3, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, केलामाइन के नाम से जानते हैं। केलामाइन एक जिंकाइट होता है, ZnO। ये इसके कुछ मुख्य अयस्क हैं जिनसे जिंक प्राप्त करते हैं, लेकिन मुख्य अयस्क कौन सा, इसका जिंक ब्लेंड। ये इसका मुख्य अयस्क है और इससे ही अपन आज अपन जिंक धातु का निष्कर्षण करने वाले हैं, ठीक है बात। चलिए, क्या करते हैं अपन, स्टेप याद कीजिए। सबसे पहले क्या करवाते हैं अपन, इस जो अयस्क है इससे जो क्रेशर में डाल करके इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। छोटे टुकड़ों में तोड़ने के पश्चात, भाई ये अयस्क ले लिया मैंने, यहां लिखा अपने जो कर्षक, छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा, जो कर्षक से जो प्राप्त हो रहा है उसको स्टाम्प मिल में डाला। स्टाम्प मिल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर ये चूर्णित हो जाएगा, ठीक है। चूर्णित अयस्क का बाद में करवाते हैं अपन सांद्रण। देखिए, साथ साथ चल रहा है, साथ साथ मैं पढ़ाता जा रहा हूं। सांद्रण में यहां पर देखिएगा कौन कौन सी विधि है, झाग पलवल विधि। कब काम में लेते हैं झाग पलवल विधि, कब काम में लेते हैं, जब सल्फाइड अयस्क की अशुद्धि हो। तो ZnS जो है, जिंक ब्लेंड है, इसका सांद्रण किससे करवाएंगे, झाग पलवल विधि से। क्लियर होगी बात। यदि केलामाइन लिया है आपने, तो केलामाइन क्या है, भारी होता है, यानी ग्रेविटी सेपरेशन जो होता है गुरुत्वीय पृथक्करण द्वारा, इसका गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से किसका करवाएंगे सेपरेशन। यदि ZnCO3 का, ZnCO3 अयस्क का अपन सांद्रण करवा रहे हैं, तो झाग पलवन विधि काम में नहीं आएगी, झाग पलवन आएगी ZnS में। केलामाइन के लिए कौन से काम मिलेंगे अपन, गुरुत्वीय पृथक्करण। सपोज करें कि इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति भी है, तो आयरन ऑक्साइड की जो अशुद्धि है, आयरन ऑक्साइड की जो अशुद्धि है उसे हटाने के लिए अपन काम में लेंगे चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि। तीनों विधियां पढ़ा रखी है मैंने, चार विधि होती है इसकी, जिसमें पहली झाग पलवन विधि कब काम में आती है, जब सल्फाइड अयस्क होता है, यानी अयस्क के साथ में सल्फर है वो मौजूद होती है। तो ZnS जिंक ब्लेंड लिया है, उसके लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, झाग पलवल विधि। यदि केलामाइन लिया है तो गुरुत्वीय पृथक्करण करवाइए, यदि इसके अंदर कोई आयरन ऑक्साइड की अशुद्धि मौजूद है तो उसके लिए क्या करवाएंगे, चुंबकीय पृथक्करण करवाएंगे। इन विधियों के पश्चात जो अयस्क प्राप्त हुआ वो अयस्क कहलाया सांद्रित अयस्क, सांद्रित अयस्क। अब सांद्रित अयस्क का क्या करवाना है भाई, ऑक्साइड में बदलना है मेरे को, तो ऑक्साइड में बदलना है, ऑक्साइड में बदलना। ऑक्साइड में बदलने के लिए आप निस्तापन व भर्जन करवाते हो, यही है प्रक्रिया, भर्जन या निस्तापन करवाते हो। किस भट्टी में करवाते हो, परावर्तनी, तो इसका भी करवाएं। जो जिंक ब्लेंड लिया है या ZnCO3 लिया है, अपन दोनों को साथ लेके चल रहे हैं, इनका भी निस्तापन और भर्जन करवाएंगे। अब देखिए, भर्जन कब करवाते हैं, जब सल्फर की अशुद्धि होती है, मोस्टली यही देखा जाता है। निस्तापन कब करवाते हैं, जब H2O की, हाइड्रेट की या फिर कार्बोनेट की अशुद्धि होती है, तब करवाते हैं अपन निस्तापन। भर्जन करवा रहे हैं तो यहां देखिए, इन दोनों में ZnS का क्या होगा, भर्जन, और ZnCO3 का क्या करवाना पड़ेगा, निस्तापन करवाना पड़ेगा। तो क्या किया अपन ने, भर्जन करवाया मान लीजिए, तो ये लिखा मैंने भर्जन, और भर्जन के आगे मैं लिख रहा हूं, भर्जन किसका करवाना होगा, ZnS का। क्या करेंगे,
परावर्तनी भट्टी में जड़नस लेंगे और वायु के तेज झोंकों के साथ में इसको गर्म किया जाएगा। ठीक है, गर्म कितना करते हैं, उतना ही करते हैं कि ये मेल्ट नहीं हो जाए, धातु है वो पिघल नहीं जाए, बल्कि जो वाष्पशील अशुद्धियां हैं वो जरूर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना करके बाहर निकल जाए। तो जड़नस है, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या करवा रहे हैं भाई, हम करवा रहे हैं भर्जन। ऑक्सीजन दिख रही है ना, ऑक्सीजन दिखे तो भर्जन, नहीं दिखे तो निष्कापन। ऑक्सीजन से क्रिया करवा करके बनाया अपने ZNO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, क्लियर होगी बात। ऐसा भी संभव है कि ZNS है यह ऑक्सीजन से क्रिया करके और ZNSO4 बना गया, परंतु यह ZNSO4 फिर से डिकम्पोज होगा, अब यह विघटित होगा और विघटित होकर के क्या बनाएगा भाई, ये विघटित होकर के बनाएगा ZNO+SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, यही रहा ना आपका, तो जिंक ऑक्साइड बन गया और सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहां पर बाहर निकल गई है, तथा साथ ही ऑक्सीजन बाहर निकली, ये दो हो गया, ये दो हो गया, ये दो हो गए, चलिए इधर 8 हो गए, 2 6 8, ये लीजिए। तो जिंक सल्फाइड का, तो जो जिंक ब्लेंड लिया है उसका तो भर्जन होता है इस प्रकार से, सपोज कीजिए ZnCO3 है, कैलामाइन लिया है आपने और कैलामाइन का करवा रहे हो आप भर्जन या निस्तापन, तो कौन सा करवाओगे, फिर अपन भर्जन नहीं करवाएंगे निस्तापन करवाएंगे, कब, जब SO या कार्बोनेट की अशुद्धि होती है तो ये वाष्पशील अशुद्धि है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, बिना ऑक्सीजन के इसको डायरेक्ट गर्म किया जाएगा तो ये बन जाएगा ZnO+CO, क्लियर हो गई भाई बात। तो धातु जो अपना था वो किस रूप में बदल चुका है, जिंकाइड फॉर्म में आ चुका है, या फिर मैं कहूं जिंक ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में बदल गया। चलिए भाई ऑक्साइड का बाद में क्या करवाना भाई, ये सारी चीजें जो अभिक्रिया मैंने लिखी है यहां पर, ये किस भट्टी में हो रही है, परावर्तनी भट्टी में हो रही है, क्या करवाया है, भर्जन या निस्तापन करवाया है, तो कैलामाइन का क्या हुआ, निस्तापन, और जिंक ब्लेंड का क्या हुआ, भर्जन हुआ। निस्तापन या भर्जन के पश्चात अगली जो प्रोसेस होती है वो होती है अपचयन। ठीक है, तो इसका आगे करवाना है अपने को अपचयन। अब देखिए संदृत अयस्क से अपचयन तक की जो प्रोसेस है वह क्या कहलाती है, निष्कर्ष। क्लियर, यहां से जो धातु प्राप्त होगा वो अशुद्ध धातु ही होगा, लेकिन उसके आगे उसका प्योरिफिकेशन किया जाता है, उसका शोधन करते हैं, मतलब आधात्री है वो कम हो जाती है इसमें, क्लियर बात। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटा करके इसके आगे की स्टेप देखते हैं, अपचयन। तो आगे की प्रक्रिया है इसकी अपचयन, जो आगे का प्रोसेस रहनी है वो क्या रहनी है, अपचयन। अपने पास कौन सा अयस्क आ गया है, भर्जित आ गया है, भर्जन करवाया तो भर्जित है और निस्तापन करवाया है तो निस्तापित है, क्लियर है बात। प्रोसेस ये होती है, यदि एक ही चीज का भर्जन और निस्तापन करवाना है तो पहले निस्तापन करवा लो और उसके बाद में भर्जन करवा लो। ठीक है, तो मैं यहां कह दूं कि वह भर्जित अयस्क, इसका मतलब अंतिम स्टेप कौन सी है, भर्जन ही है, तो अपन इसको भर्जित अयस्क भी बोल सकते हैं। यदि केवल निस्तापन करवाए तो निस्तापित अयस्क, भर्जित या निस्तापित अयस्क जो आपने लिया है इसका कार्बन द्वारा अपचयन करवाते हैं। ठीक है, तो मैं यूं लिख दूं कि भाई अपचयन या कार्बन अथवा कोक द्वारा अपचयन, कोक द्वारा अपचयन। अब कार्बन द्वारा अपचयन क्या कहलाता है भाई, प्रगलन कहलाता है, स्मेल्टिंग कहलाता है कि नहीं कहलाता, बिल्कुल स्मेल्टिंग कहलाएगा। यदि कार्बन या कोक द्वारा अपचयन हो रहा है तो इसे अपन स्मेल्टिंग कहते हैं। तो यहां क्या रहा, जो भर्जित या निस्थापित अयस्क है, इस भर्जित या निस्थापित अयस्क में क्या है भाई, ZNO ही तो है, जिंक ऑक्साइड ही तो है, वो इस ZNO के साथ में कार्बन डाल करके इसे फायर कले रिटार्ट में गर्म करते हैं, फायर क्ले रिटार्ट, जिसका डायग्राम आप देख सकते हो, क्लियर है बात। फायर क्ले रिटार्ट में डाल करके इसको गर्म करते हैं, तो गर्म करने का तरीका कुछ यह है कि इसे 1673 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं, इसमें फायर क्ले रिटार्ट में, जिससे ZNO है ये जिंक में अपचयित हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है। ऐसा भी संभव है कि ZNO है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से भी रिड्यूस हो जाएगा,
अब चेंज होकर के क्या बनाएगा, ZnO और CO2। तो ये जो अपने पास धातु प्राप्त हो रहा है, यह धातु क्या है, 97.8% शुद्ध है। लेकिन इस जिंक के साथ में, आप खुद जानते हो जिंक के साथ में लेड की अशुद्धि इंप्योरिटी हमेशा रहती है, तो जिंक है, जिंक के साथ में PbArsenic की अशुद्धि रह जाती है। भाई 97.8% तो जिंक प्राप्त हो गया, लेकिन बाकी बचा हुआ इसमें क्या है, अशुद्धि है। ये वाला जो जिंक है, इसे एक विशेष नाम दिया जाता है जिसका नाम है जिंक स्पेल्टर। जिंक स्पेल्टर, और जिंक स्पेल्टर में क्या होता है, मेजर अशुद्धि किसकी होती है, लेड की होती है। क्लियर हो गई भाई बात। अब इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिंक का फिर क्या करवाते हैं, शोधन करवाते हैं, शुद्धिकरण करवाते हैं। जिंक का करवाएंगे अपन शुद्धिकरण, जो इंप्यूरिटीज हैं वो हट जाएंगी। तो जिंक का शुद्धिकरण जो होगा, वो जैसा अपन बात कर रहे थे भाई, कॉपर का भी शुद्धिकरण अपना बचा हुआ है, जिंक का भी अपन यहां छोड़ते हैं, क्योंकि शुद्धिकरण की लास्ट में अलग विधियां हैं। अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, इसका मतलब संदरण से कहां तक, अपचयन तक पढ़ रहे हैं। यहां जब निष्कर्षण कर लेंगे तो उसके बाद क्या टॉपिक चलेगा अपना, शोधन का चलेगा। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर जो इसका शोधन करवाएंगे, वो आसवन विधि द्वारा इसका शोधन करवाते हैं, वो विधि की चर्चा अपन करेंगे बाद में। तो आई होप कि आपको जिंक का जो ये निष्कर्षण है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए केमिस्ट्री धाम के साथ में। जय हिंद।